नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हाल ही में बघेली सुपरस्टार अविनाश तिवारी की एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है ईआई आवास योजना। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो यह शॉर्ट फिल्म बघेली भाषा में रिलीज हुई है, लेकिन हिंदी समझने वाले इसको आसानी से समझ सकते हैं। यह शॉर्ट फिल्म बनी है प्रधानमंत्री आवास योजना में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर। आवास योजना में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करती है यह फिल्म, इसलिए सबको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह फिल्म दिखाती है कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच और सचिव मिलकर आवास योजना का लाभ गरीबों को ना देकर रिश्वत लेकर किसी और को देते हैं जो पात्र नहीं है, या फिर यदि गरीबों को भी देते हैं तो उससे पर्दे के पीछे रिश्वत की डिमांड करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। इस शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है कि यदि एक गरीब सरपंच और सचिव को रिश्वत नहीं देता तो किस तरह से उसको प्रताड़ना सहनी पड़ती है, किस तरह से सरपंच अपनी कुटिलता अपनी चालाकी से उस गरीब से अपने घर का भी काम करवा लेता है और उससे उम्मीद करता है कि वह रिश्वत भी दे। इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि यदि गरीब ढाई लाख रुपए आवास योजना के लिए जो मिल रहे हैं उसमें से 20,000 रुपये यदि रिश्वत के तौर पर सचिव और सरपंच को नहीं देता तो किस तरह से उसका नाम काट दिया जाएगा। यह वीडियो न सिर्फ गरीब की दुर्दशा दिखाती है बल्कि यह भी दिखाती है कि किस तरह से एक सरपंच और सचिव भारत सरकार की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। एक सीन में जब गरीब यह बोलता है कि यह योजना तो भारत सरकार की है, मोदी की है, तो कितनी निर्दयता से सचिव बोलता है कि तो फिर जाके मोदी से ही ले लो। जाओ मोदी से ले लो अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है और यही हो रहा है मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही लगभग सारी योजनाओं में, जिस पर सचिव और सरपंच जैसे व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, कुंडली मार के बैठे हैं। सरपंच और सचिव बिना रिश्वत लिए किसी भी गरीब को ना तो शौचालय योजना का लाभ देना चाहते और ना ही आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ देना चाहते। वैसे तो यह फिल्म एक काल्पनिक फिल्म है, इसके किरदार काल्पनिक है, लेकिन यह सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म है और वाकई में ऐसा हो रहा है। यह सिर्फ एक गरीब के साथ नहीं लगभग सारे गरीबों के साथ हो रहा है। यह शॉर्ट फिल्म इतनी अच्छी बनी है कि जब आप इसे देखेंगे तो अपने आप को उस गरीब की जगह में पाएंगे या अपने किसी मित्र या परिवार के संबंधी को अविनाश की जगह में पाएंगे, क्योंकि लगभग सब गरीबों के साथ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं या घटने वाली हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों के बारे में और उन्होंने कैसा काम किया है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अविनाश तिवारी। अविनाश तिवारी ने बेहद ही उम्दा तरीके से अभिनय किया है। उनको देखकर लगता ही नहीं कि वह एक गरीब की भूमिका निभा रहे हैं। गरीब की इस भूमिका में अविनाश ऐसे मच गए कि लगा ही नहीं कि वो एक सुपरस्टार हैं। यह पूरी शॉर्ट फिल्म अविनाश के कंधों पर थी और इस भार को अविनाश तिवारी ने बहुत अच्छे से निभाया है, जो आपको समझ में आएगा जब आप यह वीडियो देखेंगे। हो सकता है बहुत से लोगों ने यह वीडियो देखी भी हो, उनसे भी आग्रह है कि एक बार फिर से देखें इसे, एक फिल्म के तौर पर ना देखें, एक जागरूकता जैसे मुद्दे को समझकर इस फिल्म को देखें। अविनाश तिवारी के अभिनय ने इस शॉर्ट फिल्म में जान डाल दी है। इस शॉर्ट फिल्म को देखकर लगता ही नहीं कि यह एक क्षेत्रीय भाषा में बनी फिल्म है। ऐसा लगता है कि हम कोई ऑर्गेनाइज्ड फिल्म देख रहे हैं जिसकी अच्छे से कहानी लिखी गई हो, अच्छे से डायरेक्शन किया गया हो। और अभिनय के बारे में तो आप फिल्म देखेंगे तो खुद भी अप्रिशिएट करेंगे कि अविनाश तिवारी का इस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार है, बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया। एक गरीब की दुर्दशा को उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया और उस किरदार को जीवंत कर दिया। अब जब कहीं भी किसी तरह से कोई भ्रष्टाचार आवास योजना में होगा तो सहज ही हमको अविनाश की याद आएगी, अविनाश की वो छवि हमारे आंखों के सामने होगी जो उन्होंने एक गरीब की भूमिका इस फिल्म में निभाई है। इस फिल्म में अविनाश का साथ दिया है सैलू शर्मा ने। पहली बार सैलू शर्मा इस फिल्म में चौंकाती हैं। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अभिनय किया है, जो एक बेहद सीरियस और एक गरीब की पत्नी का किरदार है, और सैलू शर्मा ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। हम यह कह सकते हैं कि इस फिल्म में उनका अभिनय वाकई में देखने लायक है और ऐसा लगता है कि वो निश्चित ही एक उम्दा कलाकार हैं और भविष्य में बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाने में सफल होंगी।
इस फिल्म में सैलू शर्मा ने अविनाश तिवारी का बहुत अच्छे से साथ दिया है। उन दोनों की केमिस्ट्री देखने में सहज लगती है, अच्छी लगती है। इस फिल्म में दो और भी बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, सरपंच और सचिव, जिसमें से सचिव का किरदार निभाया है नवीन तिवारी ने। नवीन तिवारी जितनी देर तक पर्दे पर रहते हैं तो मानो मजा आ जाता है। उन्होंने एक करप्ट सचिव की भूमिका को ऐसे निभाया है, ऐसे दिखाया है कि देख के समझ में आता है कि एक रिश्वतखोर सचिव कैसा होगा, किस तरह से बातें करता होगा, कैसे गरीबों को धुतकारता होगा। नवीन तिवारी ने इस कैरेक्टर में जान फूंक दी है। अब हम सुभाष मिश्रा जी के एक्टिंग की बात करें तो सुभाष मिश्रा जी ने एक भ्रष्ट, कुटिल, चालाक सरपंच की भूमिका को ऐसे निभाया है कि मानो आपको देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि हमारे बघेली में भी ऐसे कलाकार हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सुभाष मिश्रा जी ने सरपंच का किरदार निभाया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे भ्रष्टाचार, खासकर आवास योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार की हकीकत को देखने के लिए ईआई आवास योजना जो शॉर्ट फिल्म है बघेली में, उसे देखना बहुत ही ज़रूरी है। उस शॉर्ट फिल्म के लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस शॉर्ट फिल्म को देखिए और हमें बताइए कि आपको वह शॉर्ट फिल्म कैसी लगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। धन्यवाद।